एक लीटर ट्राइकोडर्मा तथा निमिटोड से हजारों लीटर बनाओ, फसलों को कुपोषण तथा मर रोग से बचाओ। किसान भाइयों, अब हजारों रुपए खर्च करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप ट्राइकोडर्मा तथा निमिटोड घर पर बनाइए। एक बार 500 रुपए खर्च करके आप 3 साल तक आपकी फसलों का संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद आपको यह खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लायर आपकी मिट्टी को विषाणु मुक्त बना देगा। जो फसलें किसी कारण मरने लगती है उनके लिए, या जिन फसलों को पोषक तत्व कम मिल रहे हैं, या जिन फसलों में कीटक तथा रोगों का अटैक ज्यादा दिखाई दे रहा है, कुछ फसलें हानिकारक विषाणुओं के द्वारा अधिक मात्रा में फसल की जड़ों से रस चूसने के कारण मरने लगती है। एक एक पौधा मरना शुरू होता है और कुछ ही दिनों में पूरे खेत की फसल मर जाती है। कुछ फसलों के मरने का कारण होता है निमिटोड, सूत्रकृमि या गोल कीड़ा। निमिटोड जिस फसल की जड़ में प्रवेश कर जाता है उसे मार डालता है। अंदर प्रवेश कर चुके निमिटोड का कोई इलाज नहीं है, इसलिए उसे पौधों पेड़ की जड़ों में प्रवेश करने पूर्व मारना जरूरी है। आजकल रासायनिक खेती के कारण मिट्टी कड़क होने से उनमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है, इसीलिए मिट्टी में हानिकारक विषाणुओं तथा निमिटोड की संख्या बढ़ गई है। हानिकारक विषाणु सभी फसलों का नुकसान करते हैं। कोई भी फसल सूर्य ऊर्जा की मदद से जो भोजन बनाती है, वह भोजन आगे की प्रक्रिया के लिए जड़ों के पास आता है। हानिकारक विषाणु जड़ों से भोजन की चोरी कर लेते हैं। भोजन की चोरी हो जाने से फसलों का कुपोषण होता है। दोस्तों, मर रोग की बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाजार में जीवाणु के उत्पादन उपलब्ध है, जिनकी मदद से आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। बाजार में ट्राइकोडर्मा नाम से जीवाणु उत्पादन मिलता है। कुछ लोग प्लास्टिक की थैली में पाउडर के स्वरूप में भी बेचते हैं। ऐसा उत्पादन कभी नहीं लेना, नामांकित कंपनी का ही लेना जो बॉटल में तरल स्वरूप से मिलता है। ट्राइकोडर्मा के साथ निमिटोड के जीवाणु एक साथ भी मिलते हैं। अगर एक साथ ना मिले तो दोनों उत्पादन अलग अलग लेकर बना सकते हैं। ट्राइकोडर्मा के साथ निमिटोड कंट्रोल वाला उत्पादन छोटी से छोटी पैकिंग, मतलब 250 मिली भी चलेगी। अगर बड़ा पैकिंग हो तो आप 100 मिली का इस्तेमाल करके बचा हुआ फ्रिज में रख सकते हैं। जब इस्तेमाल करना हो तब 2 घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकालना पड़ेगा। एक बर्तन में 10 लीटर ताजा पानी भरना है। इस पानी को गर्म करना है। पानी गर्म करते समय इसमें 50 ग्राम गुड़ या 100 मिली दूध मिला दें। जब पानी में उबाल आने लगे इसे बाजू में ठंडा होने के लिए रख दें। पानी ठंडा हो जाने पर इसमें 100 मिली ट्राइकोडर्मा के साथ निमिटोड कंट्रोल वाला उत्पादन मिलाकर किसी प्लास्टिक के ड्रम में डालकर ढक्कन को प्लास्टिक लगाकर बंद करें, मतलब उसमें बाहर की हवा ना जा सके। दूसरे दिन सुबह इस ढक्कन को खोलकर किसी स्वच्छ लकड़ी से इस पानी को हिलाएं, फिर ढक्कन बंद करें। ऐसा आप 8 दिन तक करते रहे। ठंडी के दिनों में इस ड्रम को हल्की धूप आती हो ऐसी जगह पर रखें। बाकी महीनों में आप कहीं भी छांव में रख सकते हैं। ज्यादा ठंडे मौसम में आपको धूप में रखना पड़ेगा, अन्यथा जीवाणुओं की ग्रोथ नहीं होगी। ऐसा करने से जो उत्पादन आपने 100 मिली डाला था, अब आपके पास 10 लीटर बन गया है। आप 200 लीटर पानी में 1 लीटर डालकर बहते पानी के साथ खेत में दे सकते हैं, या टपक पद्धति के माध्यम से भी दे सकते हैं। यह उत्पादन बार बार देने से कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा। रासायनिक खादों के कारण हमारी मिट्टी कड़क हो गई है। कड़क मिट्टी में ऑक्सीजन कम हो जाने से हानिकारक विषाणुओं की संख्या बढ़ गई है। ये विषाणु फसल का भोजन चुराकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। परिणाम यह होता है कि आपकी फसल को भोजन की कमी होने से फसल का कुपोषण होता है। कुपोषित फसल पर कीटक तथा रोगों का आगमन होता है। इसलिए
यह उत्पाद सभी प्रकार की फसलों के लिए भी इस्तेमाल करना फायदे का है। मल्टीप्लायर मिट्टी में जीव जीवाणुओं की संख्या बढ़ाकर ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ाएगा, तब यह समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए 2 या 3 साल अगर आप यह प्रक्रिया अपनाते हैं, तब आपकी फसलों का भोजन हानिकारक विषाणु चुरा नहीं पाएंगे, या जिन फसलों में मर रोग लगता है वो फसलें मर रोग से बच जाएंगी। आप एक बार 1 लीटर उत्पाद खरीदी करके लाते हैं और उसे फ्रिज में रखते हैं, तब यह उत्पाद आप कम से कम 3 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार आपको पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।